नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल एनर्जी फाइनेंस पर। तो दोस्तों, आज जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि निफ्टी के क्या लेवल्स हो सकते हैं मंडे को यानी कि आज, तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था फ्राइडे को, सैटरडे को, इसी चीज़ में हम लोग चैनल में भी डिस्कशन करते रहे। तो कहीं ना कहीं आज वो चीज़ देखने को मिली। देखिए, जो निगेटिव न्यूज़ थी क्रूड ऑयल को लेकर के, साथ में रिलायंस के साथ में जो निगेटिव न्यूज़ थी, उसका कहीं ना कहीं एक अच्छा इम्पैक्ट दिखा और मार्केट आज 11,000 के ऊपर ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया। अब देखिए, जो एक उम्मीद मिली थी निफ्टी के ऊपर जाने की यानी 11,138 वाले लेवल को ब्रेक करने की, वो उम्मीद थोड़ी और कम हो गई है अब। लेकिन अभी भी उम्मीद पूरी तरह से नहीं टूटी है, क्योंकि ये जो सपोर्ट लेवल है, देखिए ये वाला लेवल ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड विद यू गाइस, ये जो ट्रेंड लाइन है दैट नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन साइड। तो आज भी देखिए, ये जो सपोर्ट रहा है 10,970 वाला, 968 वाला, वो ब्रेक नहीं हुआ है नीचे की तरफ। क्लोजिंग हमारी 10,070 के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं देखिए एक चांस बनता है कि निफ्टी हो सकता है कि ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन फिर से उसके पास जो रेजिस्टेंस रहेगा मेंटेन, वो अभी भी 11,138 का है। तो दोस्तों, निफ्टी के क्या लेवल्स होंगे कल के दिन, बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स होंगे, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल को, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पुराने वीडियोस में आप जाइए, अगर आपको लेवल्स पसंद आए, साथ में टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको जो स्टॉक का अपडेट मिलता रहता है वो अगर आपको पसंद आए, तो प्लीज़ और प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए। तो टेलीग्राम में आप एनआरजे फाइनेंस सर्च करेंगे और यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के लेवल्स। तो देखिए, निफ्टी जो आज इसने एक सपोर्ट लिया, जो पहले सपोर्ट शेयर किया गया था फ्राइडे को, हम लोगों ने ऑलरेडी ये सपोर्ट देख लिया था जो मैंने वीकेंड में वीडियो शेयर की थी। तो उसमें देखिए 10,966 का जो ये एक सपोर्ट बना हुआ है, वो ब्रेक नहीं हुआ है। तो अब अगर निफ्टी ऊपर देखे जाता है, ठीक है, मान लीजिए कल निफ्टी ऊपर जाने की तैयारी करता है, तो ऊपर जाने के केस में इसके पास देखिए एक जो बिग हर्डल अब थोड़ा सा बनेगा हर्डल, वो ऑलरेडी एक इस लेवल पे हर्डल है यानी कि 11,035 पे। तो इस लेवल को हम लोग अपडेट कर लेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे, जो एक पहला रेजिस्टेंस आएगा निफ्टी के पास वो आएगा 11,135 पर। अगर ये लेवल देखिए ब्रेक हो जाता है, इफ़ निफ्टी ब्रेक्स दिस लेवल एंड सस्टेन अबाउ दिस लेवल, देन निफ्टी नीड्स टू ब्रेक दिस लेवल, जो कि इसका पहले का एक हाई है, वो हाई इसको तोड़ना यानी 11,080 वाला। तो दूसरा जो लेवल इसके पास बनेगा, जो इसको निफ्टी को तोड़ना है ऊपर जाने के लिए, वो है 11,080 का। और उसके बाद दोस्तों, जो तीसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस बिल्कुल आंख बंद करके लिख देता हूँ 11,138 11,138 का, बहुत दिन से रेजिस्टेंस मेंटेन है, अभी तक ये रेजिस्टेंस हिला कोई नहीं पाया है। देखिए, निफ्टी पिछले एक दो हफ्ते से हम लोग यही रेजिस्टेंस ले करके चल रहे हैं और निफ्टी इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। चलिए अब निफ्टी के सपोर्ट की बात कर लेते हैं जरा। अगर देखिए निफ्टी नीचे आने लगता है, तो आप लोगों को वेट करना है ये ब्रेक होने का, यानी ये जो एक सपोर्ट है, देखिए ऑलरेडी जो निफ्टी की क्लोजिंग है वो है 10,993 इफ दिस क्लोजिंग लेवल, अगर कल निफ्टी गैप डाउन होता है, देखिए मैं आपको बिल्कुल एक अपने मन की बात बताऊं, जो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कहता है, जो सराउंडिंग में न्यूज़ बोलती है, एक जो अगर आप मार्केट में रहते हो तो आपको लोगों के क्या, मतलब इन्वेस्टर्स के मन में चल रहा होगा, वो पता चलने लगता है। क्लियर बताऊं मैं आपको, फ्राइडे को क्या था, मुझे जो लगता है कि जो बिग प्लेयर थे, ठीक है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, कहीं ना कहीं उन्होंने फ्राइडे को लॉन्ग ले लिया था। इतनी बड़ी न्यूज होने के बाद आज निफ्टी नहीं गिरा, जबकि मैंने पहले भी बोला था कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है निफ्टी गिरेगा, ठीक है आज नहीं गिरा मंडे को, लेकिन कल मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि लोगों ने अपनी पोजीशन निकाल ली होंगी। तो अब एक चांस जो बन रहा है, देखिए
जो एक मेरी अंतरात्मा बोल रही है, मुझे कहीं ना कहीं सब कुछ समझ करके डेटा देख करके कहीं ना कहीं लग रहा है कि निफ्टी नीचे की तरफ भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर निफ्टी देखे ये सपोर्ट ब्रेक कर दे, 10,968 वाला जो सपोर्ट है, 10,968 का जो अगर सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर आराम से फिर आप नेक्स्ट जो एक सपोर्ट आपके लिए बनेगा करके ऑलमोस्ट वो बनेगा 10,908 के पास में। ठीक, यहाँ से आप शॉर्ट मतलब कर सकते हैं अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाए दोस्तों, 10,968 वाला। फिर उसके बाद एक आपको 10,908 के आसपास मिलेगा, 10 पे बोल दीजिए। फिर उसके बाद एक और उसको जो बढ़िया सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 10,875 वीकेंड से। सो ये जो फिर एक सपोर्ट है ये निफ्टी के लिए अगला सपोर्ट रहेगा। और इन केस निफ्टी अगर ये भी टूट जाए, ठीक है, अगर ये भी निफ्टी तोड़ देता है नीचे की तरफ, तो जो एक देखे सपोर्ट बन के आएगा वो आएगा ऑलमोस्ट 10,836 का। इन केस ये भी ब्रेक हो जाए तो फिर ये एक मजबूत सपोर्ट बैठा है, इससे हमें घबराना नहीं, अच्छा खासा सपोर्ट है, हेल्प करेगा पूरा 10,775 का। तो दोस्तों निफ्टी के लिए मैंने सपोर्ट ज्यादा इसलिए दिए हैं कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि निफ्टी नीचे की तरफ जा सकता है। उसका रीजन है दोस्तों, देखिए जो डेटा बोलता है, डेटा के साथ में एक तरह से जो मार्केट में निगेटिविटी फैली हुई है, अभी भी जो सऊदी अरेबिया की कंपनी है उसका कोई आइडिया नहीं है कब से उसका प्लांट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो क्रूड की ऑलरेडी क्रूड ऑयल का जो प्राइस है बढ़ रहा है, गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है आज के दिन, तो ये जो एक तरह से गोल्ड और क्रूड आपस में बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये निगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे इंडियन मार्केट पे। क्रूड महंगा तो मोस्टली देखिए इंडिया अपनी ज़रूरत का केवल 8% जो है वो अपने पास पूरा कर पाता, बाकी पूरा बाहर से आता है। ठीक है, क्रूड अगर क्रूड महंगा होगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए निगेटिव है ये। तो एक तरह से मान के चलिए कि निफ्टी हो सकता है कि कल नीचे चल देगा। चलिए अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में देखिए अभी एक ये लेवल मेंटेन है सपोर्ट में। ठीक है, सपोर्ट इसका देखते हैं। पहला देखिए जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट होगा वो होगा यहां पर। उससे पहले दोस्तों हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखें, फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में टेलीग्राम चैनल को, टेलीग्राम में जाइए, सर्च कीजिए एनआरजे फाइनेंस और उस चैनल में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पे आपको लाइव मार्केट पे क्या अपडेट चल रहा है वो सारा अपडेट वहां पे आपको मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस। अब बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस की अगर बात करें हम लोग, तो देखिए आज बैंक निफ्टी कोशिश किया यहाँ तक आने की, ऊपर आने की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो अब अगर ऊपर की बात करें तो पहला वेट करेंगे कि बैंक निफ्टी ये जो लेवल है ऑलमोस्ट जहाँ पर आज भी इसने हाई बनाया है, ये वाला हाई, फिर उसके बाद देखिए एक ये हाई बना हुआ है। ठीक है, ये हाई और ये हाई, यानी दो बार इसका एक तरह देखा जाए इसने यहाँ पे ट्राई किया है। तो ये जो लेवल है यानी कि ऑलमोस्ट 28,060 का, अगर 28,060 का लेवल ये ब्रेक कर दे ऊपर की तरफ, अभी कितना है देखिए 27,800, आज की क्लोजिंग जो आई है वो आई है ऑलमोस्ट 27,827 की। ठीक, तो जो देखिए अगर ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी चलता है तो हमें एक लॉन्ग पोजीशन जो लेनी है कहीं ना कहीं वो लेनी है जब 28,060 ब्रेक हो जाए, सस्टेन करे, उसके बाद में जो लेवल है यानी कि 28,112 इसका एक रेजिस्टेंस बनेगा। तो लेकिन उसके पहले की देखिए छोटी जो छोटे रेजिस्टेंस भी आते रहते हैं उनका क्या, तो देखिए पहला जो अब इसके लिए रेजिस्टेंस होगा हम लोग वेट करेंगे कि 27,960 का रेजिस्टेंस ब्रेक हो। पहली चीज रेजिस्टेंस हम लोग वेट करेंगे 27,960 शुड बी ब्रोकन, फर्स्ट रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट ये आपका 28,112 का, बट उसके पहले एक ये माइल्ड रेजिस्टेंस है जिसका ब्रेक होना जरूरी है, और वो जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इस लेवल पे देखिए यानी कि 28,060 पे,
इफ सस्टेन्स अबाउ, अगर ये 28,060 के ऊपर सस्टेन कर जाता है काफ़ी टाइम के लिए, देन तब आपका 28,100 ये जो लेवल है, ये ट्रेंड लाइन जो बनी हुई है ऑलमोस्ट 28,112, इसको ब्रेक होना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक कर दिया तब आराम से हम लोग बोल सकते हैं कि निफ्टी बुलिश हो गया है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए, तीन बार देखिए ब्रेक नहीं हुई है, ये फर्स्ट टाइम, आज का ट्राई, कल का ट्राई, ठीक है, परसों का ट्राई, उसके पहले का देखिए कई बार इसने ट्राई किया है, तो ये लेवल ब्रेक होना जरूरी है। ब्रेक होने का मतलब है दोस्तों, देखिए ब्रेक तो यहाँ भी हुआ लेकिन सस्टेन करे, क्लोजिंग उसके ऊपर दे, तो जब निफ्टी इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तभी हम लोग फिर ऊपर की तरफ चलेंगे, यानी 28,375 का जो लेवल है उसके बारे में सोचेंगे, ठीक। तो अभी के लिए बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है इसे आप रेजिस्टेंस मान के चलिए। अब चलिए नीचे की बात कर लेते हैं, नीचे में इसके पास सपोर्ट क्या है। अगर देखिए कल बैंक निफ्टी ब्रेक कर दे 27,760, ठीक है, 760 नहीं, ऑलमोस्ट मैं आपको बताता हूँ 27,730, तो सपोर्ट में देखिए इफ ब्रेक्स 27,730, अगर ये ब्रेक कर दे, ठीक है, इसके नीचे रुके तो फिर कहीं ना कहीं आपके पास ये देखिए ये वाला लेवल हमें अचीव हो जाएगा, यानी 27,778 का, 27,778, बहुत छोटा अंतर है दोस्तों, 778 नहीं 678, ठीक। अगर देखिए इस लेवल को ब्रेक करे फिर उसके बाद ये इसको ब्रेक करने चल दे, ये जो दो हैं इसके लिए बड़े सपोर्ट हैं एक तरह से बैंक निफ्टी के लिए, अगर ये सपोर्ट टूटा तो ये 27,600 जो 78 का सपोर्ट है इस पे जरूर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी एक बार अच्छा खासा सपोर्ट लेगा, लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं हमें एक एक्सपेक्टेशन रहेगी हमारी, वो रहेगी 27,000, ये जो हमारा लेवल है ऑलमोस्ट 27,580 और 27,500 के बीच का, ठीक है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 27,580 एंड 27,500 ऑलमोस्ट आपको लेवल दिखा देगा ये। अब चलिए मैं कहता हूँ अगर 27,500 का जो ये लेवल है, 490 एक्चुअली, अगर ये 27,490 भी ब्रेक हो जाए फिर कहाँ जाएगा, तो फिर दोस्तों ऑलरेडी आप लोग जानते हैं पहले के वीडियोज़ हैं आपके पास ऑलरेडी, पहले के लेवल्स हैं आपके पास, फिर 27,200 ये जो लेवल है 27,238 की तैयारी हो जाएगी एक तरह से, ठीक है। तो 27,490 अगर ब्रेक कर दे तो दोस्तों ऑलरेडी कई बार मैंने आपको लेवल बताए हैं, आप लोग भी अब जानते हो अच्छे से, अगर पहले आपने वीडियो देखे हैं तो 27,000 ये जो लेवल है 27,238 की तैयारी कर लीजिएगा। तो ये थे दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल। अब एक तरह से अगर हम लोग देखिए कैंडल से हट करके देखिए हेकेनाशी जो चार्ट पैटर्न होता है वो एक कहीं ना कहीं आपको आइडिया देता है कि ओवरऑल अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। तो देखिए इसमें अभी ओवरऑल ट्रेंड जो हमें दिख रहा है निफ्टी में कहीं ना कहीं बुलिश दिख रहा है, ठीक है, सॉरी बैंक निफ्टी में, वो जबकि अगर आप इसको कैंडल से देखोगे आकर के तो ये आपको बियरिश दिख रहा है। देखिए ये अंतर होता है, अगर आप हेकेनाशी में आओ तो अभी भी ये बैंक निफ्टी को बता रहा है कि बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश है, अभी भी कम्प्लीटली बियरिश नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट इस लेवल पे आ गया है सपोर्ट पे। अब ये अगर ब्रेक हो जाएगा तो बियरिश हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो ऊपर की तरफ बुलिश रहेगा। निफ्टी 50 को अगर आप देखोगे कैंडल चार्ट में क्या है, कहीं ना कहीं बियरिश शो कर रहा है रेड कैंडल, इसको एक काम करो हेकेनाशी में आओ आप, वहां भी रेड कैंडल, तो अब देखिए निफ्टी जो है कहीं ना कहीं डूबने वाला है, हो सकता है ये कल का लेवल जो है 10,970 तोड़ के 10,870 उसके बाद का ये जो सपोर्ट है 10,821 की तरफ आ सकता है। तो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल थे मैंने आपको बता दिए, शेयर कर दिए हैं, अगर वीडियो पसंद आया हो, लेवल पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर आप कीजिए मत कीजिए बट प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में दोस्तों ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए एनआरजे फाइनेंस, तो वहाँ पे आपको डेली स्टॉक ऑप्शंस कॉल मिलेंगे,
साथ में स्टॉक अपडेट मिलता रहेगा, कौन सा स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हो, कौन सा स्टॉक आप शॉर्ट टर्म के लिए ऐड कर सकते हो, किस स्टॉक में मंदी आने वाली है और कहाँ पे तेजी आने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी टेलीग्राम चैनल पे मैं चार्ट एनालिसिस जो मेजर स्टॉक्स है उनकी ऐड कर दूंगा आज रात में, तो वहां से आपको जो भी स्टॉक्स है उनकी चार्ट एनालिसिस और लेवल्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। हैप्पी ट्रेडिंग।